आज सब जुगाड़ देख के मालूम पड़ता है क्या है। आज मटर पुलाव होगा, आज चिकन, चिकन का एक ये बनने वाला है, चिकन टिक्का बनाने वाली हूँ। देखो ये इसको सब मसाला लगा के रख दिया, क्या क्या मसाला जाता है मैं इसको बताती हूँ। और ये हरा बटाना जाएगा, ये चावल बासमती का कनी लेकर आई, अरे कांदा बटाटा टमाटर हरी मिर्ची, और इधर देखो जो मसाला जो मैं भून के रखी घर में पीसेंगे, धनिया पीस फ्राई करके रख दिया है भून के, और जीरा वो भी पीस लेंगे। चलो आज क्या बनाने वाला है दिखाई आप लोग को, पूरा वीडियो देखते रहना, देखेंगे तो सब मालूम पड़ेगा मैं कैसा मटर पुलाव आज चिकन टिकिया बनाने वाली हूँ। चलो अब मैं ये बताने वाली हूँ चिकन में क्या का चिकन टिक्का में मसाला गया, मैं वो बताती एक एक करके। आधा किलो 500 ग्राम चिकन बोटी सिक एकदम बेगर हड्डी वाला है मटन, और आधा किलो लिए, और इसमें क्या क्या गया, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल कश्मीरी मसाला मतलब मिर्ची पाउडर, लाल दही, चाट मसाला, अदरक का सूखी मसाला, अदरक का पाउडर, गोलमरीच जैसा कि तंदूरी चिकन मसाला, मिर्ची हल्दी धनिया जीरे पाउडर, वो दही डाल के उसको मैरिनेशन करके रखती है। इसमें आधा नींबू गया, और 2 कटोरा 2 कप छोटा सा ढक्कन विनीगर गया। इसको मैंने आधा घंटा हो गया तो 1 घंटा तक अपनी फ्रिज में रख सकते हैं। आप लोग को बता दिया चिकन टिक्का में क्या क्या मसाला गया। चलो पूरा वीडियो अभी तैयार कर लेती सब काट कोट के। सना मुल्ला कुकिंग किचन में सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और सबके दुआ से हम सब बहुत अच्छे हैं। तो आज हमारे घर पे जो रेसिपी बनने वाला है वाइट मटर पुलाव और चिकन टिक्का। आप लोगों को तो मम्मी ने बता दिया है कि चिकन टिक्का में क्या क्या मसाला डाल दिए हैं। सो चिकन टिक्का यहाँ पर रेडी हो गया है। अब मटर पुलाव का आपको बताया थे सब, चिकन टिक्का का जो मसाला लगा के रेडी हो गया, 2 घंटा हो गया। अभी जो मैंने पहले अक्खा दिखाई थी अभी सब काट कर लिया, ये 300 ग्राम बटाटा उसको काट कर लिया, इसको उबालूंगी थोड़ा, और टमाटर 2 लिए, 4-5 हरी मिर्ची लिए, 4 कांदा लिए, 1 कटोरा बटाना लिए, और ये जो मसाला जो दिखते हैं आपको देखो, गोलमरीच 4 लौंग, 1 जावित्री, 2 दालचीनी, 1 चम्मच जीरा, और इसमें तीखा होने के लिए 1 चम्मच हरी मिर्ची 1 चम्मच भर के, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि ये व्हाइट बनेगा ना मिर्ची ना हल्दी जाएगा। चलो वीडियो पूरा देखते रहो कैसा करके ये मटर व्हाइट मटर पुलाव बनाते हैं मम्मी के स्टाइल का। चलो ये सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम लोग को न्यू लगाया, बंदर न्यू लगाया, ये बंदर न्यू और ये भी बंदर न्यू लगाया। चलो चलो मैं पानी डाल देती हूँ इसके लिए, आलू आलू उबालने के लिए। ओके अरे जो आलू बटाटा इसको छिल कर रखी है, हल्दी वल्दी कुछ नहीं है, नमक व्हाइट बनेगा जाएगा। अभी उबलते हुए टाइम थोड़ा उसके अंदर जा सकते हैं, डाल सकते डाल दिया। तेल डाल देंगे, घी से भी बना सकते हैं, मैं तेल से बनाती हूँ, जबरदस्त और टेस्टी लगता है। तेल से भी घी से भी दोनों सेम लगता है। 200 ग्राम ऑयल ना, जो मसाला है वो सब तेल में डाल देंगे। तेल गरम हो गया, बिस्मिल्लाह। ताकि पहले इसलिए डाल रहे हैं ताकि उसका जो फ्लेवर है सब अच्छी तरह से खुशबू खुशबू आए। चार तेज़पत्ता वो भी, अनियन है वो डाल देंगे। इनको हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मम्मी? वो जो पुलाव बनेगा ना नहीं तो पीला पीला हो जाए। अच्छा तो इसलिए हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का उसको गुलाबी करना है खाली। खाली दूर हो जाए। हाँ ठीक। मटर डाल देंगे, चिता वो डाल देंगे, 5 है आएगा, कट करके रखे थे गोल गोल, इस तरह से उसको मिक्स कर लेंगे। इधर बटाटा उबला की नहीं, उबल गया, फ्राई कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली,
भून लेंगे ताकि जो लहसुन का पेस्ट का जो खुशबू है अच्छा बना जाए। अगर आप लोग इसे दो चिकन का पीस भी दोगे ना और अच्छा लगेगा, फ्लेवर बहुत अच्छा। मैंने दो चिकन का पीस डाली तो फ्लेवर दुगना हो जाएगा, क्योंकि अब चिकन टिक्का बनेगा ना, इसलिए मैंने इसमें चिकन ज्यादा नहीं डाली। ये तेल के ऊपर ही है ना, वो जो अदरक लहसुन का कटोरा पहले था वो धोके मिक्स कर लेंगे। देखो खुशबू बहुत जबरदस्त निकल रही है। फल था वो एक किलो था, बासमती ना, बासमती बासमती कनी एक किलो चावल भी बना सकते हैं, टुकड़े से भी बना सकते हैं। हाँ, आप लखा से भी बना सकते हो, उसका जो टुकड़ा है तो उससे भी बना सकते हो। कड़ा चढ़ा दे आलू फ्राई करने के लिए, डाल देंगे इसमें आलू फ्राई। मटर फ्राई हो गया है, बटाटा उबाल के रख दिया फ्राई करने के लिए। बटाटा डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल, पहले भी दिया था उबालने का टाइम और अभी भी फ्राई करने के टाइम पे भी थोड़ा सा नमक डाल। फ्राई हो गया है, अच्छा लाल लाल डाल लेंगे। देखो फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे इसमें। ज़्यादा ब्राउन नहीं करने का है, अपने को वाइट बनाने का है ना। ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो फिर मसाला मसाला जैसा बन जाएगा, इसलिए हमें इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। फिर वाइट बनाने के लिए वाइट होना चाहिए। अच्छा पानी डाल देती हूँ, उबल जाएगा तो उसमें चावल डाल देंगे। चावल डाल के रखिए। अब ये देखो चावल के ज़्यादा महे करने का नहीं, कसला कसला के नहीं धोने का, क्योंकि टूट जाएगा। डाल दिया तेल मिलाने का, टूट जाएगा। देखो इतना पानी डालने का ताकि अच्छी तरह से पक जाए, चावल जो है ना पक जाए। ये उंगली देखो अभी गर्म है, आप नहीं लगा दी पा रही। एक उंगली बगैर ना डाल देना, अब उसमें नमक जाएगा थोड़ा सा, पकता पक देंगे 20 से 15 मिनट ना। नहीं अभी उसको तो चावल पकने का, पुराना चावल रहता ना। अच्छा हाँ, तो टाइम लगता है इसको। ये पुराना चावल है, अभी इसको पहली बार लेके आए, देखना पड़ेगा कि अभी मैं कितना आवाजें बिठाई वो देख लूंगी ना। 2:25 बह रहा है, 2:25 करी दर पर है। अभी मैंने उसको तवा में तेल डाल दी, बिस्मिल्लाह बोल के डाल देती हूँ, धीमा कर दिया। ये तो ये खाली अंदर अंदर तक पकना चाहिए, ठीक है ना। जब भी लेने के टाइम उसको ऐसा आप ऐड कर लेना, चिकन में भर भर के लेना। थोड़ा ऊपर से तेल डाल देंगे, चिपका नहीं, पीछे से एकदम थोड़ा लाल लाल होने आ गया है। आईना वाला जो वैसे ऊँचो कर दो, हाँ हाँ, ये ढक्कन डाल देती हूँ, गैस स्लो आस्ते कर दिया। इसको देखती हूँ, आहा क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। आस्ते आस्ते करना चाहिए, अभी भी पानी है थोड़ा थोड़ा पानी है, धीमे आंच कर दूंगी। देखो कितना अच्छा है, माशाल्लाह वाइट पुलाव एकदम ब्राउन ब्राउन हो गया अभी। और थोड़ा सा जो पानी निकला वो पानी मर जाएगा, तो उसको निकाल के फिर सीख बना लो। बोटी चिकन का जो होता है ना, हाँ सीख वो बराबर बना। मटर पुलाव तैयार हो गया, तैयार हो गया है, अब उसको डिश आउट कर लेंगे। खिला खिला हुआ देखो, वाह माशाल्लाह वाइट बोले तो वाइट ही बना। हाँ जो जो आप लोगों को जो अपना धनिया पाउडर जीरा पाउडर बताए थे ना, तो मेरे मम्मी को मना की थी, मम्मी धनिया पाउडर और जीरा पाउडर मत डालो क्योंकि वाइट पुलाव बना रहे हो ना, तो वाइट होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, तो ब्राउन अगर डालने से ब्राउन हो जाएगा, इसकी वजह से मम्मी को बोली स्किप करने के लिए। अगर आप लोग को डालना है तो आप लोग डाल सकते हो। बिस्मिल्लाह ये आप लोग को दिखा दियो, बटाना भी गल गया, चावल एकदम खिला खिला, और बड़े चावल छोटे चावल कोई सवाल नहीं आता। ये देखो ये भी बड़े बड़े हुआ, चिकन टिक्का बनने वाला है, चीज अभी बनने वाला है। देखो एक एक करके मैंने इसको अच्छे से धो के साफ करके ली। चालू कर लेते आप, ये जो मेरा तैयार हो गया एक एक करके तो सब लगा दिए मसाला है, बाद में जब ये तैयार, इसमें कितना मसाला कितना जबरदस्त हो रहा है। मेरे भाई ने बाहर से खरीद के लाया था चिकन टिक्का मसाला, और जो बाहर से खरीद के लाया था ना सेम वैसी टेस्टी है और वैसी मजेदार है। उन लोग का कहला का चूल्हा है, हम लोग का गैस में। हाँ कहला का चूल्हा होता था और उस लोग की जैसे सेम बनता था, टेस्ट पूरा बराबर है। हाँ टेस्ट बराबर है और मस्त बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग भी सेम ऐसी बना के खाना, बहुत मस्त लगेगा। देखो तो अच्छा हो गया रेडी, माशाल्लाह जब करके इसको निकालेंगे, चम्मच से निकाल लो ना। एक एक करके मैं निकालती हूँ, देखो आहा जबरदस्त पूरा टिक्का टिक्का सॉरी चिकन टिक्का रेडी जो लेके आए थे कल सेम वैसा है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, अब देखो अब ये जूसी जूसी हो जाएगा, माशाल्लाह जबरदस्त। ये देखो अब मेरा वाइट मटर पुलाव तैयार हो गया और चिकन टिक्का भी बन गया, अभी खा के बताएंगे कैसा बना। चिकन टिक्का के भी बताओ, एकदम अंदर से तैयार हो गया देखो।
कितना जूसी एकदम। जो कल खरीद के लाया क्या ऐसी हुआ था क्या? सेम ना, बहुत मजेदार। थोड़ा चावल से खा के देखते, रुक जाओ। बिस्मिल्लाह, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। आप लोग भी सेम ऐसे बना के खाना, चिकन टिक्का और वाइट मटर पुलाव मम्मी के स्टाइल का। बहुत मम्मी का ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा, चिकन टिक्का और वाइट मटर पुलाव कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दे, एक प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरी मम्मी ने बहुत मुश्किल से बनाए। कैमरा शूट करने में आप लोगों को तो मालूम है, वीडियो शूट करने में कितना टाइम लगता है, कितना मेहनत जाता है। प्लीज़ आप मेरी मम्मी के लिए, जो जो हमारा वीडियो देखते हैं, जो नहीं भी देखते, जो देखते हैं वो भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो इधर ही एंड करते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बाय बाय, अल्लाह मलिक हाफिज। जबरदस्त, चलो घर में जाओ और बना के खाओ और कमेंट करके बताओ कैसा लगा। बाय, अल्लाह मलिक हाफिज, दो बार हो गया बोलना, बाय बाय।